दिन बुआ 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 करती रहती हूँ। ये वही बुआ है, जब तुम पैदा हुई थी ना तो काम के डर के मारे से तुम्हें देखने तक नहीं आई थी। और वो तुम्हारी मौसी इतनी अच्छी है, क्या ही बताऊं मैं, तुरंत भागी चली हुई आई थी और सारे घर का काम किया और तुम्हें संभाला। आज वो नहीं आती ना उस दिन तो तुम जिंदा नहीं रहती। ये देख, तेरी बुआ ने ये साड़ी भिजवाई थी, देख रहा है, ऐसी गांव जैसी साड़ी कभी हम पहनते हैं, लेकिन फिर भी भिजवा दी हमने, पहना एक दो दिन उनका दिल ना टूटे। और तेरी मौसी, ये देख तेरी मौसी की पैकिंग देख ले, वो तो फटी ही पन्नी में आई थी, वो तो हमने ऐसे करके रख दी है उसे, हैं? ये देख तेरी मौसी की पैकेजिंग एकदम कवर में भिजवाई है, पेटीकोट साथ में हैंकी भी, बता इतना कोई करता है क्या? और साड़ी, साड़ी वही हमें सब भिजवाएगी जो खुद पहनेगी, खुद वही पहनती है, हमें भी वही भेजती है, सेम टू सेम हमारी बहन। वाह, सुबह से चार बार बोल चुकी है चाचा हमको साइकिल दिलवाए, चाचा हमको साइकिल दिलवाए, जैसे कि कोई ताजमहल दिलवा दिया हो तुम्हें। और तुम्हारे मामा इतना कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, फिर भी कभी उनकी बढ़ाई नहीं करते हो, झूठे मुंह। हेलो, हाँ दीदी। ए शांति बनाए रखो, तुम्हारी बुआ का फोन है। हाँ, क्या आ रहे हो आप? अरे दीदी अभी तो आए थे आप एक साल पहले, इतनी जल्दी आ रहे हो फिर से? नहीं दीदी, वो क्या कहते हैं ना, हमारी पूरी फैमिली का घूमने का ट्रिप बन रहा था। हाँ, पिकनिक बनाने जा रहे थे हम एक दो दिन के लिए। अच्छा, नहीं, हाँ एक दो दिन बाद आइएगा आप। हाँ हाँ ठीक है। हेलो लेखा, हाँ अपनी दीदी को बिल्कुल भूल ही गई हो। ए शांति बना, तुम्हारी मौज का फोन है, शोर मचाने लग रहे हो। हाँ कब आ रही हो? एक महीना हो गया है तुम्हें गए हुए। अच्छा आने का प्लान बना रही हो, हाँ तो बता देना, ट्रेन की टिकट कटवा देंगे तुम्हारे जीजा जी से। हाँ हाँ स्टेशन पे तुम्हें लेने भी आ जाएंगे वो लोग ही तो। हाँ ठीक है, आ जाओ जल्दी ना। तुम्हारी बहन और हमारी बहन में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ हमारी बहन कहाँ कामकाजी लड़की, इतना काम करती है कोई बराबरी नहीं कर सकता उसकी। और तुम्हारी, तुम्हारी बहन क्या ही बताऊं, पूछो ही मत, ना काम कुछ करती, मैंने तो बता दिया था काम वाम तो कुछ करती नहीं हो तुम, ऐसे करके बस सारा दिन। और हमारे खानदान के लोग जो हैं वो सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, और तुम्हारे खानदान के एक तुम्हारी बहन बस सारा दिन मुंह ही फुलाती रहेगी, कुछ प्यार से पूछ रहे तो है? ऐसे क्या है ऐसा, ये कोई लैंग्वेज होती है? और हमारे परिवार में सब प्यार से बोलते हैं, कोई ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता है चाहे वो छोटा क्यों ना हो। नहीं हमारी बहन की एक और बात बताती हूँ, तुमने कभी बोला है बेटा इधर आ, तो वो क्या कहती है, हाँ जीजा जी आई, ऐसे करके बोलती है। और हमने जरा सा बेटा इधर आइए तुम्हारी बहन से, तो तुम्हारी बहन, हाँ भाभी आ रही हूँ, तुम तो हमेशा काम के लिए ही बताती रहती हो मुझे, ये कोई तरीका है मतलब भाभी से बोलने का? भाभी तुमसे इतनी बड़ी है,